Many people out there thinks that the more they do gym, the more results they are going to get. Are you? Hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. Today we are going to talk about why the sleep is important for the muscle growth and performance, or I rather say, does sleep hinders the muscle growth or your performance? आज इस पर चर्चा होगी. सो वीडियो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चालू करते हैं. टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर. सो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में. ग्लूकोज अ टाइप ऑफ शुगर दैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी. और ये किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? ये ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है मसल में, जो प्रोवाइड करती है रिकवरी में, और हमारी एनर्जी प्रोवाइड करती है जो रिकवरी में काम आती है. इसका रेफरेंस यहाँ पे आपको ध्यान रखना, और मैं इसका रेफरेंस अभी आगे वीडियो में ज़रूर लूँगा. आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और वीडियो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि यार क्या श्रिंक करना हमारी स्लीप को श्रिंक करना क्या बेनिफिशियल होता है, या कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है, हमारी रिकवरी अच्छी होती है कि बुरी होती है या उतनी रहती है. सो इस पे एक रिसर्च हुई थी 2011 के अंदर 2011 में एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर रिसर्चर्स ने क्या किया था, एक इंडिविजुअल्स को लेके स्ट्रिक्ट स्लीपिंग शेड्यूल फॉलो किया था 72 आवर्स का, जिसके अंदर एक ग्रुप को उन्होंने 5.5 आवर्स की स्लीप का स्ट्रिक्ट शेड्यूल दिया था और दूसरी ग्रुप को 8 आवर्स का शेड्यूल दिया था. सो बाद में इस और दोनों को ही कैलोरीज सेम कैलोरीज के इंटेक पे रखा था. एंड इसके बाद ही जब ये पता चला कि क्या इसका रिजल्ट है, तो रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग 5.5 आवर्स की स्लीप ले रहे थे उनका मसल मास 60% घट गया, मतलब 60% लेस मसल मास हो गया जितना उनका प्रीवियस था, और जो लोग 8 आवर्स की स्लीप ले रहे थे उनका 40% मोर मसल मास गेन हो गया. सो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारी स्लीप सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, और मैं भी इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कभी कभार करता हूँ क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल की ज़्यादातर यही हो गई है, राइट? लेकिन हम लोग को ये चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज वी आर फिटनेस माइंड्स, और साथ ही साथ हम लोग को इस चीज़ को पूरा मतलब सही से एक्सपीरियंस कराना होगा लोगों को कि देखिए आपको कोई सप्लीमेंट जो नहीं करा सकता वो एक स्लीप करा सकती है. आपकी नींद बहुत बड़ी चीज़ है. सो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि इस रिसर्च में क्या पाया गया कि स्लीप बहुत ज़रूरी है. तो क्या खाली क्वांटिटी स्लीप इम्पॉर्टेंट है या क्वालिटी भी, इसके बारे में क्या चर्चा आप रखते हो, कमेंट डाउन बिलो राइट अवे. होप सो यू हैव कमेंटेड डाउन. इसके ऊपर यहाँ पे ये मैं बताना चाहूँगा कि क्वालिटी स्लीप मोर प्रेफरेबल होती है इवन इफ यू आर डूइंग अ क्वांटिटी स्लीप. ज़्यादा क्वांटिटी से मतलब नहीं है यहाँ पे, क्वालिटी से मतलब है. मेरा मतलब है यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं कि लेट से दोपहर में खाना खाया एंड वी स्लेप फॉर एन आवर और टू, और उसके बाद हम लोग रात में वही अपने 5 आवर्स 2 जितने भी हम लोग की स्लीप होती है उतनी लेते हैं. देन इट डज़ नॉट मीन कि आपकी स्लीप यहाँ की 7 to 8 आवर्स हो गई. अगर आप टू आवर्स स्लीप कर लिया आपने दोपहर में, और उसके बाद आप आफ्टरनून के बाद आप नाइट में आप जब जितने भी 5 आवर्स सोते हो, तो आपने कैलकुलेट किया तो 7 hours to 7.5 hours आपने स्लीप ले ली. सो इट डज़ नॉट मीन कि 7.5 hours क्वालिटी स्लीप है. ये क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है. सो क्वालिटी स्लीप आपकी तब बनती है जब आप एक फेज में उसी लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल 24 आवर्स की लाइफ साइकिल है, उसी के एक फेज के अंदर रेगुलरली कंसिस्टेंटली उसी टाइम पे आप सो रहे हो, दैट्स द क्वालिटी स्लीप. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी इन 2008 बाय डॉक्टर बर्ड जेकबसन, ही क्लेम दैट बाय डूइंग इम्प्रॉपर एंड लैक ऑफ स्लीप रिजल्ट्स इन हिंडरिंग योर एनर्जी लेवल्स.
वो अपने हमारे एनर्जी लेवल्स को बहुत हिंडर करती है और हमारी माइंड को स्विंग कराती है। सो माइंड स्विंग से आपको रिलेशन होगा कि यार इससे क्या मतलब है, माइंड को स्विंग कराती है, ठीक है हमारा मूड स्विंग हो जाता है ना, उससे क्या मतलब इसका रिकवरी का। सो इसका डायरेक्टली कनेक्शन है, क्योंकि जैसे कि आप नींद में, लेट से आपने रात में नींद ली है ना, रात में नींद ली एंड अबाउट 4 आवर्स एंड इन दी मॉर्निंग यू फील ड्राउननेस, यू फील लाइक नेगेटिव थिंग्स आर हैम्परिंग ऑन यू, यू फील मतलब हम लोग बहुत इरिटेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा इचनिंग फील होती है कि यार अरे क्या अब क्या करेंगे, हमारा मूड स्विंग हो जाता है बहुत जल्दी। अगर थोड़ी सी भी बात किसी ने कुछ भी कह दी या कोई काम छोटा सा भी हो गया तो उसमें में हमारा मूड स्विंग हो जाता है, हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, राइट? वो हमारी रिकवरी को बहुत हैम्पर करते हैं, बिकॉज नेगेटिव थिंग्स आर ऑलवेज हैम्परिंग यू, दे नेवर गिव यू एज इन योर लाइफ, दे ऑलवेज मेंट टू ड्रॉन यू, आपको वो डुबाने के लिए ही बनी है नेगेटिव थिंग्स। सो इससे बचने के लिए इन्होंने यही कहा कि हमारे मूड स्विंग्स को बचाने के लिए आपकी इम्प्रॉपर स्लीप को छोड़ें, प्रॉपर स्लीप लें, एक कंसिस्टेंट टाइम के साथ लें जो 24 आवर्स अलॉटेड होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, उसी के टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर आपकी स्लीप भी होनी चाहिए, तभी आपका रिकवरी रेट बिल्कुल ऑन पॉइंट होगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होगा, आप जिम में भी होगे, देन ऑल्सो अगर आपका कोई वेट उठेगा नहीं, आप वेट नहीं उठा पाओगे है ना, आप एक बार वेट नहीं उठा पाओगे तो आप एंग्री हो जाओगे, आपके अंदर गुस्सा आ जाएगी और आपसे और ज़्यादा मतलब आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो टू अवॉइड दिस स्टार्ट स्लीपिंग इन द राइट टाइम। एज आई डिस्कस्ड सो मैनी पॉइंट्स कि ये सब हम लोग को फॉलो करने चाहिए, बट आई एम प्रिटी श्योर यू हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ कैन आई अचीव इट, आप कैसे वो चीज़ को अचीव करोगे। सो यहाँ पे मैं 3 ट्रिक्स आपको बता सकता हूँ जो कि मैं भी फॉलो कर रहा हूँ आपके साथ ही, और इसको बताने के बाद आप होपफुली आप इसको अप्लाई करेंगे एंड ऑल्सो यू विल गेट एब्सोल्यूट बेनिफिट्स। सो पहली ट्रिक की बात कर लेते हैं, पहली ट्रिक जो है वो है कि अवॉइड intense work before your bed, avoid them because performing these intensive works the body gets the energy, body के पास energy base आ जाता है, energy stored जो होती है वो एक energy boost की तरह body को मिलती है, और उसी के साथ क्या होता है कि हमारी body, इसीलिए कहा जाता है कि 3 to 4 आवर्स पहले ही अपना कोई वर्कआउट, स्लीप से पहले आपको अपना वर्कआउट ख़त्म कर देना चाहिए। ये वर्कआउट की ही मैं बात नहीं कर रहा, आपका कोई भी इंटेंस वर्क है, कोई भी वर्क है, चाहे आपको बाहर जाना है, कोई भी इंटेंस वर्क है, एक पार्टी के अंदर जाना है, कुछ भी करना है, तो वो 3 आवर्स और 2 आवर्स के अंदर ही अंदर पहले ख़त्म कर देना चाहिए अपनी स्लीप से, बिकॉज ये एनर्जी बूस्ट वे मतलब उस रास्ते में आता है आपकी गुड स्लीप के, आपकी अच्छी स्लीप के अंदर, एक प्रॉपर क्वालिटी स्लीप के अंदर के रास्ते में जब आप सोगे तो वो आएगा ये एनर्जी बूस्ट। सो अवॉइड देम। सो आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप के ऊपर, सेकेंड ट्रिक के ऊपर, जो कि है स्टे ऑन अ गुड स्लीप शेड्यूल। आपको एक अच्छे स्लीप शेड्यूल के ऊपर स्टे रखना चाहिए। इसका क्या मतलब है, होपफुली हो सकता हो आपको ये लगता होगा कि देर से सोते हैं तो चलो देर से उठेंगे तो हमारी 8 आवर्स पूरे हो जाएंगे या 7 आवर्स पूरे हो जाएंगे, बट डू यू रियली थिंक इट गोना बी हैपन, इट्स अ बिग नो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मिथ अपने दिमाग से निकालिए, और साथ ही साथ ये हमारे ह्यूमन जो ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ मतलब जो ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, जो टाइम चलता है 24 आवर्स का जिसको कहते हैं, वो उस चीज़ को हैम्पर करता है ये चीज़। सो हमारे 24 आवर्स के जो स्लीपिंग क्या हम लोग का जो पूरा आवर्स है उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी फॉलो करती है। सो प्लीज़ डू नॉट हैम्पर इट। आपको ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि देर से सोए हैं तो देर से उठेंगे, देन द आवर्स आर तो पूरे हो जाएंगे, देन ऑल्सो दिस विल गेट इन टू दैट
जोन ऑफ क्वांटिटी स्लीप नॉट इन द जोन ऑफ क्वालिटी स्लीप. क्वालिटी स्लीप आपको नहीं मिलेगी, क्वांटिटी स्लीप तो मिल ही जाएगी. सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड और लास्ट ट्रिक के ऊपर, जो कि बहुत ही दमदार है. बने रहिए हमारे साथ और मज़ा बहुत आ रहा होगा, क्योंकि स्लीप के बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी तक इतनी बातें किसी ने करी होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और लास्ट ट्रिक के ऊपर, जो कि है ड्रिंक सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन शेक बिफोर योर बेड. ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बॉडी को थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है, देन वो हम लोग को एनर्जी देती है. जो हमारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और बहुत सारे ब्रांच अमीनो एसिड जो होते हैं, तो वो हम लोग को प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो थोड़ा सा मच टफर टास्क हो जाता है बॉडी के लिए. सो इसी को ईजी बनाने के लिए प्रोटीन शेक का इनटेक बिफोर बेड हम लोग को बहुत बॉडी को बहुत ज़्यादा ईजी वे में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा. बस यही तरीका है जिससे आप अपनी स्लीप को एक क्वालिटी स्लीप की तरह बना सकते हो. तो इन तीन ट्रिक्स को आप फॉलो करिए, आज आपको बहुत सारा मज़ा आया होगा. एक स्लीप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफस्टाइल का, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, मैं भी इग्नोर करता हूँ, मैं नहीं कहूँगा, है ना, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और इसी से हम लोग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ सकती है, लेकिन वी ऑलवेज इग्नोर इट. फ्रॉम नाउ बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंस, और इसको फॉलो करिए और अपनी स्लीप पर ध्यान दीजिए. सो टू गेट द ग्रोथ, द मोस्ट ऑफ इट, द मोस्ट ऑफ स्लीप इज मेंट टू बी ग्रोथ फॉर यू. आपके ग्रोथ के लिए ही स्लीप बनाई गई है. सो हैव इट, बिकॉज अदर सप्लीमेंट्स एंड दीज थिंग्स आर द सेकेंडरी पार्ट. फर्स्ट थिंग इज जस्ट स्लीप इन अ प्रॉपर वे. इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं. डू लाइक एंड शेयर टू योर लव्ड वंस, उनको भी पता चले कि स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का, जिसको इग्नोर करा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग करते हैं, नहीं करना है आज के बाद. एंड कमेंट ऑन बिलो इफ यू लाइक द कॉन्टेंट मेड बाय मी एंड फॉर यू. सो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं. होप यू एंजॉयड द वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल. फोड़ देना उसको, उस घंटे को, लेकिन दब जाना चाहिए प्लीज़, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरी तरफ से ज़रूर आएगी अगर आप उस घंटे को दबा दोगे, वरना फिर मिस हो जाएगा, फिर टाइम और जाएगा, क्या फ़ायदा. सो हिट इट. एंड ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. देर इज़ अ इंस्टाग्राम हैंडल राइट अवे. देर आई यूज़ टू डेमोन्स्ट्रेट सम लाइफस्टाइल स्टफ फ्रॉम माई साइड, और मैं वहाँ पे थोड़ा सा अपना फिटनेस की जर्नी भी बताता रहता हूँ, मोटिवेशन भी रहता है, और साथ ही साथ वहाँ पे हेल्थ कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ. सो डू फॉलो मी एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम हैंडल राइट अवे. लास्टली मैं बस यही कहना चाहूँगा, लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. पीस.